सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना एकमात्र विश्वनीय संस्थान। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। सिरसा में किसानों में पुलिस के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 17 तारीख को फिर से एसपी थाने का एसपी कार्यालय का किसान घेराव करेंगे, जहां पर आज सड़कों पर निकलकर और गांव-गांव में खट्टर और मोदी सरकार के पुतले फूंककर रोष प्रदर्शन जाहिर किया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने रविवार को डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमले के दौरान पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाकर पुलिसकर्मी को जान से मारने का प्रयास करने व जान से धमकी देने के आरोप में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक नामजद सहित 90 से 100 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने, चोटें पहुंचाने, गाड़ी पुलिसकर्मी पर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 14 जुलाई की शाम को मामला दर्ज किया है। शुक्रवार बाद दोपहर ये जानकारी मीडिया को डीएसपी आर.एन. चौधरी की तरफ से दी गई है। वहीं पर डीएसपी आर.एन. चौधरी ने बताया है कि घायल पुलिसकर्मी की शिकायत पर एक नामजद सहित अन्य किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भालूखेड़ा ने कहा है कि सरकार किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र रच रही है। इसी कड़ी के एक बाद एक मामले किसानों पर दर्ज किए जा रहे हैं। रविवार को ये प्रकरण मामले में पुलिस ने अब एक और FIR दर्ज की है। उन्होंने कहा कि किसान मामले से डरने वाले नहीं है, कृषि कानून रद्द नहीं होने तक लगातार आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पर सिरसा में रणवीर गंगवा की गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद जिस तरीके से एसपी का तबादला और नए एसपी जिस तरीके से पहुंचे हैं, उनकी भी एक तरीके से अग्नि परीक्षा होगी। और अब 17 तारीख का दिन बेहद निर्णायक किसानों के लिए और पुलिस के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के भी कई दिग्गज नेता सिरसा में एसपी कार्यालय के बाहर पहुंचकर गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करवाने की मांग रखेंगे। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने किसानों के घरों की दीवारों को फांदकर रातों रात किसानों को गिरफ्तार किया है, जो कि कानून और संविधान के मुताबिक ठीक नहीं है। जहां पर किसानों का अब कहना है कि 17 तारीख यानी कल बड़ी संख्या में किसान सिरसा के एसपी कार्यालय का घेराव कर अपने गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा के कई बड़े दिग्गज नेता इस पूरे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, जहां पर पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। करीब 2000 के करीब पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं पर वज्र वाहनों सहित तमाम जितने भी पुलिस के सुरक्षात्मक दृष्टि के दस्ते हैं, उनको एसपी कार्यालय के बाहर तैनात किया गया है। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाकर इस घटना में कोई भी अनहोनी प्रिय घटना ना हो, उसको रोकने के लिए अब पुलिस की तरफ से जी तोड़ प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर पूरा दिन किसानों की मीटिंगों का दौर जारी रहा और गांव-गांव जाकर किसानों की ओर से अपील की गई है कि 17 तारीख को बड़ी संख्या में सिरसा में पहुंचकर किसानों की रिहाई की मांग को प्रबल करें। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से लगातार किसानों के खिलाफ किए जा रहे मुकदमों से अब रोष किसानों में बढ़ता जा रहा है, जहां पर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर पत्थरबाजी किसानों के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ किसानों का ये कहना है कि ये पत्थरबाजी कुछ षड्यंत्रकारियों की तरफ से की गई थी। किसान अपने एक शांतिप्रिय तरीके के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके की रणनीति किसानों की, वो आपको सुनवाते हैं। तरीके के जो मुकदमे आंदोलन को दबाने के लिए जो किए जा रहे हैं, अभी पता चला है कि उन्होंने कल भी एक और FIR दर्ज करवाई है कि पुलिस कर्मी की तरफ से कि मेरे ऊपर जान से मारने का हमला किया गया। मतलब ये मुकदमे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है इस आंदोलन से पूर्ण रूप से डरी हुई है। क्योंकि आज 8 महीने हो गए दिल्ली के चारों तरफ बैठे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार बार बार ऐसे प्रयत्न कर रही है। जब भी कोई एजिटेशन होता है, ये अपने बंदे सरकार बीच में छोड़ देते हैं, प्लांट कर देते हैं, और वही इनके एक दो बंदे पत्थरबाजी करके वो निकल जाते हैं, और फिर उन्हीं की आड़ में किसानों के ऊपर मुकदमे बना के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये उस दिन जिस दिन माननीय डिप्टी स्पीकर साहब आए थे, तो उसमें हमारे कुछ मुलाजिमों को चोट भी लगी थी। तो एक मुलाजिम के जिसकी चोट लगी थी, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से हमने एक मुकदमा दर्ज किया है शरारती तत्वों के खिलाफ, जिन्होंने जो है जिनके जिनके
जिनके कारण जो हमारे मुलाजिमों को चोट लगी है, गाड़ी चढ़ाई गई थी, तो वो मुकदमा दर्ज किया गया है उनके खिलाफ़। ये इसमें 90 से 100 व्यक्तियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। आगे जो है, जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, और जो लोग जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है और पुलिस के ऑफिसर्स के और जो चोटें मारी हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके अरेस्ट भी किया जाएगा उनको।